सो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को ऑयल पेंटिंग इफेक्ट देना सिखाऊंगा एंड सही ट्रिक बताऊंगा आप लोग कैसे फोटो के अंदर ऑयल पेंटिंग इफेक्ट दे सकते हो बहुत ही इजीली एंड बहुत ही यूनिक ट्रिक से। सो ये ट्रिक अगर आप लोग जान गए तो आप लोग डीएम बाय जैसा ऑयल पेंटिंग इफेक्ट बहुत ही इजिली दे सकते हो अपने फोटो के अंदर एंड कुछ इस तरीके का फोटो बना सकते हो, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक देखो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दो। सो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि मेरे स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, इस फोटो के अंदर बिल्कुल भी ऑयल पेंटिंग इफेक्ट नहीं है और इस फोटो के अंदर मैं आप लोगों को सही तरीके से समझा पाऊंगा आप लोग कैसे ऑयल पेंटिंग इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। गाइस, इस फोटो को मैं शेयर कर लेता हूं उसी एप्लीकेशन के अंदर जिसको आप लोगों को मैं डाउनलोड करने को बोला एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ओपन हो चुका है फोटो एंड आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। गाइस, यहाँ पर आप लोगों को इफेक्ट पर टैप कर लेना है। टैप करने के बाद गाइस, आप लोगों को यहाँ पर सॉफ्ट वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर आप लोगों को टैप कर लेना है। टैप करने के बाद गाइस, आप लोगों को यहाँ पर भी नंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके यूज़ कर लेना है। आप लोग देख सकते हो पूरे बॉडी में ऑयल पेंटिंग इफेक्ट आ चुका है लेकिन गाइस, आप लोगों को सिर्फ हेयर के अंदर चाहिए तो आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप कर लेना है। टैप करने के बाद गाइस, आप लोगों को क्लीन पर टैप करना है और यहाँ से अप्लाई पर टैप कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जूम करिए एंड हेयर के अंदर कुछ इस तरीके से ऑयल पेंटिंग इफेक्ट दे दीजिए एंड मैं भी दे देता हूँ और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगा आप लोग कैसे सही तरीके से ऑयल पेंटिंग इफेक्ट दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हेयर के अंदर अप्लाई हो चुका है ऑयल पेंटिंग इफेक्ट एंड इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद गाइस, आप लोगों को फिर से उसी एप्लीकेशन उसी यहाँ पर टूल्स के अंदर जाना है और जाने के बाद गाइस, आप लोगों को जो डबल आई वाला ऑप्शन है इसके अंदर आप लोगों को टैप कर लेना है एंड यहाँ से राइट क्लिक कर देना है और इस फोटो को कर लेना है सेव। सेव करने के बाद आप मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग कैसे हेयर के अंदर चमक दे सकते हो एंड डिटेल्स दे सकते हो, ठीक है। सो गाइस, सेव हो चुका है फोटो एंड इस फोटो को मैं शेयर कर लूँगा स्नैपसीड ऐप के अंदर और उसके बाद वहाँ पर डिटेल्स डालूंगा मैं, ठीक है। सो चलिए स्नैपसीड ऐप के अंदर। सो गाइस, फोटो स्नैपसीड ऐप के अंदर ओपन हो चुका है एंड आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। गाइस, यहां पर आप लोगों को टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर टैप कर लेना है। टैप करने के बाद गाइस, आप लोगों को डिटेल्स पर जाना है एंड यहां से गाइस, आप लोगों को डिटेल्स को फुल्ली हाई कर देना है और सॉरी फुल्ली नहीं, 23 या 29 के आसपास रख देना है, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा शार्पनेस, इसको आप लोगों को फुल्ली हाई कर देना है। जितना हाई करोगे उतना ही जो यहाँ पर डिटेल्स है आ जाएगा फोटो के अंदर और उसके बाद राइट क्लिक करना है आप लोगों को, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरे बॉडी में यहाँ पर जो चमक है आ चुका है। अगर आप लोगों को सिर्फ हेयर के अंदर ही चमक चाहिए तो आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप कर लेना है, ठीक है। टैप करने के बाद व्यू एडिट पर टैप करना है और यहाँ से डिटेल्स पर टैप करना है और मिडिल में जो पेंसिल वाला आइकन है इसके अंदर टैप कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जूम कर लेना है एंड हेयर के अंदर कुछ इस तरीके से डिटेल्स डाल देना है आप लोगों को, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्स आ चुका है फोटो के अंदर यानी हेयर के अंदर एंड ऐसे करके आप लोग ऑयल पेंटिंग इफेक्ट सही तरीके से दे सकते हो डीएम भाई जैसा, ठीक है। सो गाइस, आज का ये ट्रिक अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। सो आज के लिए इतना ही था, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।